नंबर ऑफ मार्क्स, वही मीन यहाँ निकालना है। तो इसमें देखिए मल्टीप्लाई करने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो इसलिए मैं इसमें क्या करूंगा जी, मैं मेथड यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, कौन सा, एज्यूम्ड मीन मेथड यूज कर देता हूँ, ठीक है ना जी। चलिए एज्यूम्ड मीन मेथड जो है, यानी कि आपका जो था मेथड शॉर्टकट मेथड उसको, लेकिन शॉर्टकट यूज करेंगे ना तो उतना कुछ खास तो फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर इसमें ये इक्वल इक्वल इंटरवल पे रखते हैं ना क्लास मार्क्स, तो अच्छा हो जाता, उसको और इजीली हम लोग बना सकते। कोशिश करते हैं इसे, देखते हैं क्या आता है, ठीक है ना जी। देखते हैं शॉर्टकट मेथड से ही, यहाँ पर मार्क्स है एक्स आई, यहाँ पर एफ आई, यहाँ पर डी आई ले लेंगे, एक्स आई माइनस का ए लेंगे, तो ए का वैल्यू क्या होगा देखते हैं, 15 है, 20 है, 22 है, 24 है, फिर आपका 25 है, फिर 30 है, फिर 33 है, फिर 38 है, और फिर 45 है। चलिए इसमें से मिडिल में जो है 3, 4 हो जाएगा ये, इधर नीचे 2, 2, 2, 4, ये 25 कुल लेते हैं ये। चलिए ये 5, ये 8, ये 11, ये 20 के बाद ये 23, फिर 18, फिर 13, फिर 3 और फिर 1। चलिए अब इसके बाद देखिए, आप इस 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 में से, तो माइनस का 10, फिर यहाँ माइनस का 5, फिर यहाँ माइनस का 3, माइनस का 1, 0, 5, 8, ठीक है ना जी, और 38 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 13, और 13 और 45 में से करेंगे तो 25 को, तो ये आपका 20, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे एफ आई डी आई निकालते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करके, माइनस का 50, माइनस का 40, माइनस का 33, माइनस का 20, 0, 90, ठीक है ना जी, आपका आ जाएगा कितना, 13 8 जा 104, 13 8 नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है, नहीं ठीक है 13 8, ये तो ठीक है, मुझे लगा गड़बड़, 39 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 20, ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर इसको सिग्मा एफ आई डी आई, यहाँ पे इसका सब निकालना होगा, और सिग्मा एफ आई ये कितने का था ये देख लेते हैं, ऊपर हमारे पास क्वेश्चन में शायद दिया था 102 स्टूडेंट, तो ये 102 आएगा इसको ऐड करने पर। यहाँ पे देखते हैं माइनस वाले को अलग ले लेते हैं, अभी देखो 50 40 90, और फिर ये आपका 33, और फिर ये आपका 20, तीनों सब माइनस का है ये, तो माइनस का 143 होगा। प्लस वाले में देख लेते कितना हो जा रहा, 90 है प्लस का 104 है, प्लस का 39 है, और प्लस का आपका 20 है, ठीक है ना जी। 253 होगा इसमें से, ये 253 में से 143 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ये 110 आ जाएगा प्लस का, तो मीन इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ए प्लस का सिग्मा एफ आई डी आई, और बाई में सिग्मा एफ आई, ए का वैल्यू क्या है 25, और प्लस का 110, और बाई में आपका हो जाएगा 102। चलिए तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग इसमें डिवाइड करके ऐड कर देंगे, तो यहाँ 25 और प्लस का 1.00784 ऐसे करके आएगा, यानी कि 26.0, सॉरी दो जीरो नहीं, एक ही जीरो होना चाहिए, तो 1.0784 इतना ही आएगा, तो 784 इतना, या अप्रॉक्स में लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 26.08 कर देते हैं, समझ गए ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एबसेंट इन क्लास वेयर रिकॉर्ड एवरी डे फॉर 120 डे एंड द इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द